और आपकी बेचैनी दिख रही है, विधायक बनाने के लिए कितना बेचैन है आप लोग। जिनको विधायक बनाने वाले हैं हमारे प्रत्याशी, हमारे गठबंधन की ओर से प्रत्याशी ओम प्रकाश कुशवाहा जी, इसी पंचायत के रहने वाले साथी और बिहार के नेता बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष कुणाल जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी, बसपा के जोनल प्रभारी लक्ष्मण मांझी जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिवजी महतो जी, सत्यदेव सिंह जी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, संजय सान जी, शंभु प्रसाद राजभर जी, वागेंद्र कुशवाहा जी, शैलेश पटेल जी, मदन सिंह कुशवाहा जी पुराने नेता हैं, श्याम सुंदर सिंह कुशवाहा जी, राजकुमार कुशवाहा जी, हसनैन साहब, राजकुमार राय जी, तारकेश्वर सिंह जी, विनोद कुमार जी, आनंद कुमार जी, पंकज कुमार जी, अनिल कुशवाहा जी, प्रभुनाथ सिंह जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, नरदेव सिंह जी, शेष सम्मानित नेतागण, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है माताएं, बहनों, भाइयों, मित्रों और मीडिया कर्मियों, अब यहाँ बैठे थे तो कुणाल जी ने जानकारी दी कि बगल के विधानसभा क्षेत्र मढ़ौरा में हमारे गठबंधन की ओर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर कुछ लालटेन छापालों ने हमला किया है। भाइयों बहनों, रात में तो दूसरी घटना हुई, हमारे प्रत्याशी पूर्णिया जिला में धमदाहा के हैं रमेश कुशवाहा, प्रचार का काम समाप्त करके पूर्णिया शहर में रहते हैं, वहां लौट रहे थे, घर पे पहुंच गए थे, उस वक्त उनके ऊपर गोली चलाई गई, भगवान का शुक्र है कि बच गए, उनका जो लोहा का गेट है उस गेट को छेदकर गोली उस पार चली गई, लेकिन उनको नहीं लगी, भगवान का शुक्र है। अब इस तरह से लोग अभी बौखला गए हैं। भाइयों और बहनों, अभी तो सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए जरा सचेत रहना है, सचेत रहना है। बिहार को बर्बाद किया है इन लोगों ने, अब बर्बाद नहीं होने देना है। क्या चल रहा था 15 साल और अभी भी क्या चल रहा है 15 साल से। भाइयों और बहनों, गांव के सरकारी स्कूल में तब भी पढ़ाई नहीं होती थी, आज भी नहीं पढ़ाई हो रही है, और गांव के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है तो किसका नुकसान हो रहा है। जो गरीब घर के बच्चे हैं आज उनके मन में भी सपना होता है, सब कोई सपना देखता है, सपना देखने का अधिकार सबको है कि नहीं है? है तो सब सपना देखता है कि मेरा बेटा भी बाल बच्चा डॉक्टर बनता है, एसपी बनता है, इंजीनियर बनता है, कलेक्टर बनता है, बड़ा इंसान बनता है। सबको इस बात का सपना देखने का हक है। पैसे वाले लोग भी अपने बाल बच्चों के लिए सपना देखते हैं, गरीब लोग भी सपना देखता है, चाहे पैसे वाले लोग सपना देखे या गरीब लोग सपना देखे, कोई भी बच्चा बड़ा होकर एसपी, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा इंसान, बड़ा उद्योगपति बन सकता है। बिहार के सभी बच्चा में वह मेरिट है, लेकिन तभी बनेगा जब उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी। नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो कैसे कोई एसपी, कलेक्टर, इंजीनियर बनेगा? पढ़ेगा लिखेगा तो बढ़ेगा बिहार, नहीं पढ़ेगा बिहार तो नहीं बढ़ेगा बिहार। जो पैसे वाले लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट में, क्योंकि उनकी जेब में पैसा है। और गरीब आदमी कहां, उन्हीं सरकारी विद्यालयों में, जिन सरकारी विद्यालयों में खिचड़ी खिलाने का काम, पकाने का काम जरूर होता होगा, पढ़ाई लिखाई तो पूरे तौर पर चौपट है। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? भाइयों और बहनों, हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम गरीब घर के बच्चों की तकदीर को संवारने के लिए स्कूल कॉलेज की स्थिति को ठीक करने का काम करेंगे।
इन बेईमानों ने नहीं किया।